From this Cordova, we will learn grammar portion, that is present tense. In present tense, we will learn the tense of the verb that tells us when the action is, was, or will be carried out. The simple present refers to action that happen every day or आर ट्रू नाउ मीन्स जो अभी किए गए हों और जो रोज़ डेली के किया जाता हो उससे उस एक्शन को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. अब इसमें वन व्हेन द थिंग और अ पर्सन वी आर टॉकिंग इन अ सिंगुलर वी एड एस और ई एस टू द वर्ब. ऑन द अदर हैंड व्हेन द थिंग और अ पर्सन इन अ आर इन अ प्लूरल we do not add s or es to the verb. Now read these sentences on page 15. The Ningthao loves his Miam very much. It is loves, so we will underline loves. The princess cares for all in the kingdom. Cares is a present tense. Jo action verb batata ho use underline karenge. Now next is page 16. On page 16, both these sentences talk about action and show a habit. These, the words loves and cares, describe the habitual actions. Sentence 1 tells Ningthao loves his people as a habit. Second, the princess care for in the kingdom as a habit. मतलब दोनों तरह से love भी care भी दोनों एक ही habit है जो Ningthao करती थी सब अपने पीपल को लव करती थी. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर अ हैबिट डेली इवेंट हॉबी शेड्यूल्ड इवेंट और समथिंग दैट हैपन्स ऑफन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट पांडास. ईट ड्रिंक कंज्यूम लिव क्रश यूज कम्युनिकेट. यू हैव टू राइट ऑन पेज 16. पांडास क्या आएगा लिव इन ब्रॉड लीफ एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट दे ईट ग्रास बम्बूस शुगर केन. ये आपको सारे वर्ड्स इसी में से ढूंढ के यहाँ लिखना है. एंड स्मॉल रोडेंट्स पांडास यूजुअली वाइल अवे देयर टाइम सिटिंग अपराइट दे यूज देयर जॉज एंड टीथ to crush the bamboo to small pieces. They consume almost 30 pounds of bamboo every day. Pandas drink water. जो word suitable होता है वही use करना है इसमें से देख के. From the fresh water, rivers and streams, pandas communicate with each other थ्रू सीक्रेट एक्शंस एंड कॉल्स. मतलब ये पांडास की भाषा में वो लोग बात करते हैं और ब्रॉड लीफ पे रहते हैं एक कॉनिफरस फॉरेस्ट में. वो बम्बू खाते हैं ग्रास शुगर केन और कैसे खाते हैं जॉज और टीथ यूज़ करके बम्बू को तोड़ते हैं और वो पानी भी पीते हैं. ऑलमोस्ट 30 पाउंड्स ऑफ बम्बू ईच डे कंज्यूम 30 पाउंड्स बम्बू के लकड़े के खाते हैं और पांडास पानी भी पीते हैं फ्रेश वाटर रिवर से और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को इशारा करके. नाउ डिस्क्राइब ईच पिक्चर यूजिंग इन द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये मंकीज़ है. मंकीज़ क्या कर रहे हैं? मंकीज़ लाइक बनानास खा रहे हैं. बॉयज लव्स लाइक्स आइसक्रीम. देन दिस इज एलिफेंट. While bathing, elephant throws water through his trunk. Trunk से पानी फेंक रहा है. Then, this is cobbler. Cobbler mends shoes. Cobbler mends our shoes. Cobbler क्या कर रहा है? जूते बना रहा है. Now make two sentences that tell us your friend. Verbs should be in the now can कैसे यूज़ किया जाता है. जैसे
राहुल कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द बुक, वो राहुल आंसर दे सकता है. टॉट्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. कैन इन दी सेंड मीन्स एबिलिटी, मतलब वो कर सकते हैं, बीइंग एबल टू, तो कैन, जो नहीं कर सकते हैं नॉट. राहुल विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द बुक, एबल टू. टॉट्स आर एबल टू, मतलब वो काबिल हैं. बोथ ऑन लैंड इन वाटर. कैन यू रन फास्ट, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ. कैन यू ड्राइव अ कार, नो आई कैन नॉट, जो नहीं कर सकते वो कैन नॉट. कैन इज यूज टू आस्क द क्वेश्चंस. कैन नॉट इज फॉर नॉट बींग एबल टू, जो नहीं कर सकता उसमें कैन नॉट यूज होता है. अब कैन 17 पर 17, कैन नॉट और एबल टू. द बुक इज इन द लॉक्ड बॉक्स, आई कैन टेक इट आउट, मैं ले सकता हूँ तो कैन आएगा. आई विल बी एबल टू टेक द बुक, उसके साथ एबल टू यूज कर सकते हैं. टू टेक द बुक आउट ओनली इफ वी इफ आई फाइंड द की. द बेबी इज जस्ट 9 मंथ्स ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक, कैन नॉट, छोटी है, 9 महीने की है तो वो वॉक नहीं कर सकती, चल नहीं सकती. ही विल बी एबल टू रन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वो चल सकेगी, तो एबल टू. देन ट्री इज़ वेरी स्मॉल, ट्री इज़ वेरी स्मॉल, इट कैन बेयर फ्रूट्स एवरी नाउ, वो ट्री बहुत छोटी है लेकिन फ्रूट्स उसमें उग सकते हैं. इट विल बी एबल टू बेयर बेटर फ्रूट्स इन फ्यू ईयर्स, मतलब जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा ट्री, तो और वो फ्रूट्स और आने लगेंगे. इट इज़ रेनिंग हैविली, यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले, अब इतनी बारिश हो रही है बाहर नहीं जा सकते हो. यू विल बी एबल टू गो आउट ओनली वेन इट स्टॉप्स, जब बारिश बंद होगी तो जा सकते हो. कैन शी गो टू स्कूल टुमारो, मतलब वो क्या स्कूल जा सकती है कल. Ask questions to get these answers. Begin with can. No, I cannot fly. Question करेंगे तो क्या लिखेंगे, Can you fly? Then you have to mark the question mark. Yes, I can swim. Question, Can you swim? सब में can you लिख कर swim लिख. No, I cannot go to the market alone. Can you, मतलब ये negative बातें कर रहे हैं तो हमें positive type question करना है. Can you go to the market alone? Then, no, he cannot bake the cakes. Can he bake the cakes? Question mark. Then, next. Yes, I can read the books. Can you read the books? Can you करेंगे तो question mark लगाएंगे. Now, open page number 18. Circle the best antonyms for the following words. Careful. Fast. Careless, opposite, antonia मतलब opposite, and careful का क्या होगा, careless. Then doubtful, doubtful का हो रहता है uncertain. Then shiny, shiny मतलब shine करना, और dull. Skinny, skinny का होगा chubby. Then bravey, brave, brave का क्या होगा, cowardly. Brave मतलब strong हो जो, और cowardly मतलब जो डरावना, डरता हो. Circle the correct words in each sentence. Please try not to waste paper. Paper के साथ ये waste आता है, ये waste होता है कमर. Can I go to the party? ये to use होगा तो circle करेंगे. This is my favorite pair of jeans. ये pair आएगा IR वाला. I sent a letter. Letter भेजा है तो sent आएगा. ये sent रहता है perfume. Then do you think it is going to rain? R-A-I-N आएगा, rain नहीं आएगा. This afternoon I saw a restaurant just off the road. तो road पे देखा था, about a mile back. Road ये आएगा, R-O-A-D. Now match the words to make the phrases. Just के साथ क्या होगा, king. Then brave के साथ prince. Intelligent girl. Clever ministers. Loving का क्या होगा, मियान.
ग्रीन ट्री, यहाँ पर यही नंबर्स हैं वो यहाँ पर लगाने हैं, जैसे ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6, वही इधर नंबर्स लगाने हैं, जैसे 3 का जस का किंग। देन नाउ यूज़ दिस फ्रेसेस टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, ये जो आपने वर्ड्स यूज़ किए थे यहाँ पर मैच किए थे वही आपको बना के लिखना है, जैसे जस्ट यही जो मैच किए थे वही सेंटेंस आपको ब्लैंक में यूज़ करने हैं। द जस्ट किंग, क्लेवर मिनिस्टर्स, ब्रेव प्रिंस, देन ग्रीन ट्री इज़ अ ब्यूटिफुल साइड इन द बैरल लैंड, इंटेलिजेंट गर्ल, देन लविंग म्यान, ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पर यूज़ किए थे वहीं पे वही वो वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। देन नेक्स्ट इज पंक्चुएट, री राइट दी सेंटेंसेस यूजिंग द कैपिटल एंड फुल स्टॉप वेयर नेसेसरी। आई छोटे में है, आई विल गो टू स्कूल ऑन वन डे, इसको कैपिटल आई कैपिटल लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। देन मंडे है वो कैपिटल एम रहेगा। देन रानी वर्ड है वो नेम है तो आर कैपिटल रहेगा और शी इज़ इन बेड लास्ट विल बी फुल स्टॉप। देन माई बर्थडे एम विल बी कैपिटल, इज़ इन जनवरी जो रहता है डेज है वो जे कैपिटल रहेगा लास्ट विल बी फुल स्टॉप। नाउ लर्न टू यूज़ द डिक्शनरी, अरेंज दीज वर्ड्स अल्फाबेटिकली देन लुक टू द, ये उसे सिर्फ खाली आपको सीरियल वाइज ए से लेके स्टार्ट करना है, वो वर्ड्स अरेंज करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल, इमेजिन यू आर वन ऑफ द कोर्टियर्स इन द निंगथाओ कोर्ट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु लिव्स इन द नेबरिंग किंगडम, डिस्क्राइब हाउ द फ्यूचर रूलर ऑफ द किंगडम वॉज चूजन। डियर January 15, 1520 डेट लिखनी है आपको, कल की भी डेट लिख सकते हो जब की भी। देन एड्रेस जानकी हवेली कलेर पाकम, डियर सानोजोबा का जो लेसन में आपने रीड किया उसी का लेटर है, अब आपको यहाँ पर लिखना है, ये सब लिखा हुआ है उसके बाद आपको पेज 19 पे यही लिखा है। देन द मियान गैदर्ड इन अ लार्ज नंबर टू वॉच द सिलेक्शन गोइंग अगेंस्ट द कस्टम, ही ऑर्डर्ड हिज 3 सन्स टू प्रूव देयर एबिलिटी, फर्स्ट देयर वॉज अ रोज ड्रोअर्स अफेक्शनेटली, में क्या लिखोगे सानू तुम्बा, जिसने आप खुद सानू जो तुम्बा है और सानू जुबा को आप लेटर लिख रहे हो, ये आपको कंप्लीट पेज नंबर 15, 16, 17, 18, 19 टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। नंबर द सन डैश शाइन और शाइन्स, क्या आएगा एक ही सन है तो शाइन्स, इधर हम लिखेंगे शाइन्स। देन द बेबी, एक ही जना है बेबी है, इन हिज क्रेडल स्लीप्स आएगा, क्या आएगा स्लीप्स। नाउ नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन डैश टू द पार्क इन द इवनिंग, गो का सेम गो रहेगा, बहुत सारे चिल्ड्रन है इसीलिए, वैसे अगर एक चाइल्ड होता तो गोज आता। नाउ नेक्स्ट द क्लास डैश एट 10 AM, द क्लास क्या कर, एक क्लास पूरा स्टार्ट्स, क्या आएगा स्टार्ट्स एट 10 AM। द बॉयज़ है बहुत सारे जने हैं तो क्या आएगा रन। वी मतलब बहुत सारे जने, वियर और वियर्स, वियर आएगा क्या आएगा
wear woolen clothes in winter. My father, एक ही जना है तो क्या आएगा? आर तो तब होता है जब बहुत सारे जने हो, इज हो तो एक सिंगल. इज अ डॉक्टर. मंकीज बहुत सारे जने हैं. डैश ईट और ईट्स बनानास तो क्या आएगा? मंकीज के साथ ईट बनानास. ऑलमोस्ट एवरी डे द एलिफेंट्स बहुत सारे एलिफेंट्स हैं तो क्या आएगा? हैव अ बाथ इन द रिवर. द बॉयज़ है बहुत सारे. रन या रन्स इन द प्ले ग्राउंड क्या आएगा? रन, क्योंकि एस लग चुका है तो यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे. द सन शाइन्स ब्राइटली. द क्लास डैश स्टार्ट्स एट 10 am. द प्रिंसेस डैश का क्या आएगा? केयर्स. एक ही जनी है प्रिंसेस. ये पूरी एक्सरसाइज आपको क्लासवर्क नोटबुक में लिखनी है और ये डेफिनेशन भी क्लासवर्क में ही लिखनी है. इंग्लिश वन के ही नोटबुक में इंग्लिश टू का भी पोर्शन बनाओगे पीछे के साइड, जो इंग्लिश टू को नाम दोगे ग्रामर, इंग्लिश टू ग्रामर क्लासवर्क, उसी में आपको ये पूरी दोनों पेज लिख के रखना है. वन, यू हैव टू मेक पार्ट इंग्लिश टू इन द बैक साइड ऑफ द नोटबुक. इंग्लिश टू ग्रामर क्लासवर्क चैप्टर वन सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी हैव टू राइट डेफिनेशन. द टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स अस व्हेन द एक्शन वाज और विल बी कैरिड आउट. द सिंपल प्रेजेंट टेंस refers to actions that happen every day or are true now. मतलब जो रोज़ किए जाते हों और जो सही हो, जो चीज़ें रोज़ करते हों और सच्ची बातें हों, उससे simple present tense बोलते हैं. When the thing or a person we are talking in the singular, we add s or es to the verb. On the other hand, when the thing or person in the plural, we do not add s or es to the verb. Now, we have to write exercise. Fill in the blanks with the correct form of verbs given in bracket. The animals eats or eat. S laga hai, to sirf khali eat likhenge. Now, second, the princess, ek hi jani hai, princess hai, lives or live, we will write lives, the in the palace. The clowns dash make or makes people laughing. Clowns hai, bahut sare hai, clowns to make aayega, kya aayega? Make. Then, next, the teacher, ek hi teacher hai, to teaches. Teaches or teach well. She एक ही जनी के साथ dances आएगा, क्योंकि she एक ही जनी है, dances gracefully.